हेलो दोस्तों, आज की ये नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, बजाज आरी इलेक्ट्रिक ऑटो जो आज ही लॉन्च हुई है, आप इसका फर्स्ट लुक देख सकते हैं। सामने का जो फारक वगैरह है, सस्पेंशन दिए हैं। बात करूँ इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ये रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम है। इससे आपकी ऑटो थोड़ा बहुत चार्ज होगी ब्रेक लगाने में। जब भी आप एक्सेलेटर छोड़ेंगे तो ये अपने आप कंट्रोल होगी गाड़ी दोस्तों, तो इससे आपकी बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज होगी। ये देख सकते हैं बजाज आरी का ब्रांड लोगो। और बात करूँ इसके टायर की, तो ट्यूबलेस टायर हैं दोस्तों इसके 12 इंच के। और सामने से एक बड़ा सा विंड गिलास वाइपर के साथ नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दी है। साइड इंडिकेटर देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अभी अंदर चलते हैं इसके। ये देखिए दोस्तों, इसका हैंडल का लुक कुछ इस तरह से अंदर से। इसमें ही अपर डिपर साइड इंडिकेटर हॉर्न वगैरह दिया है दोस्तों। पूरा हैंडल से ही कंट्रोल होता है, इसमें सारे बटन इसी में है। ये देखिए NDMR यानी न्यूट्रल आर यानी रिवर्स इस तरह से है दोस्तों। ऊपर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड दिया है, यहाँ पर आप पेपर वगैरह रख सकते हैं। साइड में एक एलईडी लाइट दी है दोस्तों, और एक म्यूज़िक सिस्टम लगाने में जगह दी है साइड में। कुछ इस तरह से इसका लुक है। अभी हमारे भाई से बोलते हैं कि चाबी चालू कर आपको दिखाएंगे कि इसका डिस्प्ले देखिए दोस्तों, फर्स्ट लुक किस तरह से ऑन होता है, क्या क्या सिंबल हैं इसके। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो बैटरी के परसेंटेज है फुल दिखा रहा है, और वहाँ पर ऊपर एक N सिंबल आया है, यानी न्यूट्रल है दोस्तों। ये देखिए, और जो ये साइड के सिंबल हैं इसके बारे में भाई साहब को भी पता नहीं है और मुझे भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी अभी गाड़ी आई है। इसके पूरे फंक्शन थोड़ा जानने के लिए टाइम लगेगा, एक या दो दिन। तो अभी गाड़ी चलने देते हैं और किसी भाई से भी पूरी जानकारी लेंगे हम कि कितने किलोमीटर चलती है वन चार्ज में, और उन्होंने कितने में निकाला है। इनसे भी मैंने बात की दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके फंक्शन चारों इसी साइड दिए हैं, लेफ्ट साइड। तो ये भाई साहब ने बोला कि 1 लाख रुपए इन्होंने एडवांस दिया है और 2.5 लाख लोन हुआ, यानी 3.5 लाख रुपए में ये ऑटो गिरा है इनको। महीने का 9000 ईएमआई ऐसा कुछ बता रहे थे, तो इससे आपको आइडिया या अंदाज़ा लग गया होगा। तो और एक बात है दोस्तों कि इसके प्राइस हर जगह सेम नहीं होते, हर स्टेट के अलग अलग प्राइस होते हैं, तो अपने यहाँ पता कीजिए प्लीज़। तो गाड़ी की बात करूँ तो लुक वाइज काफ़ी अच्छी है, किलोमीटर रेंज भी अच्छा है दोस्तों। मुझे तो गाड़ी अच्छी लगी, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए प्लीज़। तो ये देख सकते हैं इसकी बैटरी रखने की जगह ड्राइवर सीट के नीचे दी गई है। साइड से 2 डोर हैं दोस्तों जो अच्छे सेफ्टी के लिए अच्छे हैं। और पीछे सीट की बात करूँ तो देखिए, डायमंड कट वगैरह सीट दिया है, डिज़ाइन है, काफ़ी स्टाइलिश लुक में सीट दी है। बैक सीट 3 सीट आराम से बैठ सकते हैं, 3+1 का है दोस्तों ये ऑटो। पीछे डिक्की में भाई साहब ने कुछ सामान रखा है, तो आप भी पैसेंजर वगैरह का सामान कैरी कर सकते हैं, अच्छी जगह है पीछे। साइड से देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखता है ये ऑटो, और इसके ब्रेक लाइट जलने पे कुछ इस तरह से लुक वाइज है। साथ में नीचे नंबर प्लेट लगाने को जगह, पीछे एक बम्पर दिया है। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ दोस्तों, तो इसका क्लियरेंस भी अच्छा है। कोई अगर खड्डे खुड्डे या पत्थर वगैरह हैं तो आपकी गाड़ी ईजी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाड़ी देखने में और लुक वाइज किलोमीटर से तो अच्छी है दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप भी अपने हिसाब से अपने जगह ट्रायल वगैरह देखकर ही कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो परचेस कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा, इसकी पूरी डिटेल और किसी दिन लेंगे दोस्तों। अभी आज ही आई है गाड़ी, तो कुछ दिन लगेंगे और इसकी पूरी डिटेल मालूम होने में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए दोस्तों।